हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन जैरो में। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये क्रश की फीलिंग्स है, यानी कि वो लोग जो लोग एक तरफा प्यार में हैं, किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं लेकिन उनसे फीलिंग्स कहने से डरते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डरते हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति भी आप में इंटरेस्टेड है। तो वन साइडेड अगर लव है तो ये आपके क्रश है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी क्रश की रीडिंग है वो। वन साइडेड यानी कि अपोजिट पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं उनकी एनर्जीज को हम चेक करेंगे, ठीक है। रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होगी, जरूरी नहीं सबके लिए जो है रिजोनेट करे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है, ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके क्रश की एनर्जी, उनके क्रश की करंट एनर्जी इनको लेकर क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून विथ नाइन ऑफ वॉन्स, आपके क्रश के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। सडनली उनके मन में ऐसी एक एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर वो आपको अप्रोच करने के बारे में या आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आपके क्रश जो है आपको किसी चीज़ को या तो बताना चाहते हैं, कोई उनकी मन की बात है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, और या कोई ऐसी चीज़ है जो वो अब तक एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और वो अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट वो आपको अप्रोच करने से पहले बहुत डरते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि उन्हें डर लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया यानी कि अगर ट्राई किया बात करने का तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, आप उन्हें अच्छे से एंटरटेन करेंगे या आप उनको भगा देंगे, या पता नहीं आपका रिएक्शन लाउड तो नहीं होगा, आप गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि एक डर, एक होता ना डर, जैसे आपको खोने का डर इनको लग रहा है। इनको लग रहा है अगर इन्होंने ये बात आपसे शेयर करी या अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग्स आपसे बता दी या आपको अप्रोच करा, मतलब अपनी कोई मन की कोई सीक्रेट बात अगर आपसे शेयर करी, तो आप डेफिनेटली उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करेंगे और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा बड़े रिस्क ले नहीं सकते, डरते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। देख लेती हूँ कि आपके क्रश की क्या ऐसी बातें हैं जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या बातें हैं जो इनके क्रश इनसे शेयर करना चाहते हैं और जो कहने से डर रहे हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ये अपने पास्ट के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। इनका पास्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग। इनके पास्ट में कोई व्यक्ति या तो ऑलरेडी इनके साथ कोई कमिटमेंट में है, या तो इनके पास्ट में इन्होंने कोई लव फेलियर फेस किया है, इनका कोई लव फेलियर रहा है, या जो व्यक्ति जिसको कमिट किया है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग व्यक्ति है, बहुत टॉक्सिक है इनकी लाइफ में। इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पेन देते हैं, तकलीफ देते हैं और हर समय इनको बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत हर्ट महसूस करवाते हैं। ये हो सकता है अपने फैमिली में भी इस तरीके के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। आपके क्रश कहीं ना कहीं आपको खुलकर ये सारी बातें बताना चाहते हैं, वो आपको किसी तरीके के झूठ में नहीं रखना चाहते, कोई तरीके से कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहते जिससे बाद में कल आप इनसे नाराज़ हो जाए या इनसे दूर हो जाए। पर यही एक एनर्जी है जहाँ पर इनको लग रहा है कि क्या ये बातें उनको आपसे वो बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, ये जो जैसा चल रहा है उसे चलते रहने चाहिए, क्या उनका इस तरीके का स्टेप बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं आखिर इनके पास में ऐसा क्या हुआ था, कौन सी बातें हैं जो ये बताना चाह रहे हैं इनके पास के रिलेटेड, खुलकर बताएं। द मून, डेफिनेटली ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कमिटेड है या इनके पास में डेफिनेटली कुछ बहुत बुरा हुआ है। इनके लव रिलेशनशिप्स बहुत डिस्टर्बिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इन्होंने बहुत ट्राई किया है अपने लाइफ में उस लव रिलेशनशिप में जीतने का, बहुत सक्सेस पाने का, एक केमिस्ट्री बिल्ड करने का, पर उस रिलेशनशिप में इन्होंने इतना फेलियर फेस किया है कि इसके बाद से इनको किसी भी रिलेशनशिप में जाने से बहुत डर लगता है। ये कहीं ना कहीं बहुत टेंशन लेते हैं या लेती हैं कि ये अगर रिलेशनशिप में आ गए तो फिर से इनका दिल टूटेगा या फिर से ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। साथ ही साथ ये आपको किसी तरीके का धोखा नहीं देना चाहते, ये चाहते हैं कि आपको सब पता हो। और देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस, देखना मैं अगेन बता रही हूँ आप लोगों को, चांसेस है कि ये व्यक्ति या कहीं मैरिड है, कहीं कमिटेड है, या कोई ऐसी बात है जो इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते, पर ये चाहते हैं कि ये बातें ये आपको खुलकर बताएं, ये आपसे ये बातें नहीं छुपाएं, ये आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके क्रश के इंटेंशन क्या है। बर्डन की एनर्जी एक्चुअली खुद ही प्लक होकर आई है यहाँ पर। टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके क्रश बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तकलीफ में है या बहुत पेन में है। इनके लाइफ में इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं इनसे, इनके परिवार की एक्सपेक्टेशंस हैं, इनके आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशन है, इनकी सबको बस पूरा करने में लगे रहते हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अपने काम में भी एकदम अपने आप को झोंक चुके हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कि एफर्ट डाल रहे हैं अपनी लाइफ में, खुद को हैप्पी रखने के लिए भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों को ही पूरा करने में इनकी जान निकल जाती है। इस पूरा दिन इनका पूरा जो ध्यान रहता है वो दूसरों को हैप्पी करने में रह जाता है। यूनिवर्स मुझे बताएं
इनके क्रश के इंटेंशंस क्या हैं इनके प्रति। द वर्ल्ड, आपके आपके जो पार्टनर हैं या जो क्रश है वो आपके प्रति बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये व्यक्ति आपके साथ टाइम पास करने वाली एनर्जी में नहीं है, ये व्यक्ति सीरियसली आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपके साथ न सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं बल्कि ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं। बेसिकली आप इनकी दुनिया हो, ये ऐसा मानते हैं कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो और इनका सब कुछ हो। अगर आप इनके इस जीवन में आ जाते हो ये कहीं ना कहीं बहुत ब्लेस्ड और बहुत ही हैप्पी फील करेंगे। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट मानते हैं दूसरों से, इन्हें लगता है आप दूसरों की तरह नहीं हो, जो एक होता है ना कि फ्लर्ट करना टाइम पास करने वाले टाइप के नहीं हो, आप बहुत सिंसियर इंसान हो, बहुत लवेबल इंसान हो और आप प्यार डिजर्व करते हो। यानी कि ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल करा है, आपने भी अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन फेस किया है, कहीं ना कहीं आपके क्रश के बारे में जानते हैं और इन्हें लगता है कि अब आप भी प्यार डिजर्व करते हैं उतना ही जितना ये डिजर्व करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में बहुत सीरियस लेवल पर ले जाना चाहते हैं, आपके साथ बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बट ये जो रिलेशनशिप है ये किसी झूठ की बुनियाद पे नहीं रखना चाहते। ये आपको लिटरली फील कराना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि आने वाले अपकमिंग इवेंट में इनके क्रश के एक्शंस क्या एक्सपेक्टेड है। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। वैसे ऑल साइन रीडिंग्स है, ठीक है। अपकमिंग एक्शंस क्या होंगे इनके क्रश के, यूनिवर्स मुझे बताएं। एस ऑफ कप्स रिवर्सल है, टेन ऑफ पेंटिकल्स नहीं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्सल है। देखो यार, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी ज़रूर है जहाँ पर आपके क्रश आपके बारे में डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। ये 24 घंटे आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत लव देना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको प्रपोजल देंगे आने वाले समय में। ये लगभग जुलाई एंडिंग या अगस्त के मिड में हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको अपने इमोशंस, अपना लव एक्सप्रेस करें। और कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी डिफ्रेजेंट हो रही है जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से रोमांटिक लाइफ सर्व करना चाहते हैं, एक बेस्ट ऑफर देना चाहते हैं, एक सीरियस ऑफर देना चाहते हैं। और यहाँ पर जो मुझे थ्री ऑफ पेंटिकल रिवर्सल आया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रखना चाहते। यानी कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में है। एक मिनट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्सल को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। जजमेंट, ओके, ये आपको कोई फेक प्रोमिसेस नहीं देना चाहते, ये आपको कोई ऐसा झूठा वादा नहीं देना चाहते जिससे आपका दिल टूट जाए। ये बेसिकली आपको थर्ड पार्टी के बारे में सब कुछ बता देंगे लेकिन ये वहाँ से निकल पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, बट ट्राई ज़रूर करेंगे। ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ से निकलने का कोशिश करेंगे बट ये कहीं ना कहीं स्टक रहेंगे अपनी किसी लाइफ में। ये किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये अटके हुए हैं। ये चाहकर भी आपको बोलते हैं ना कि कुछ बेस्ट सर्व करना चाहते हैं पर दे नहीं पा रहे हैं, पर ये आपको बताना ज़रूर चाहते हैं इन सब के बारे में। और थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर आपके जीवन में, आप डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से रिमूव करना चाह रहे हैं बट कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रयास करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि स्टेबल रिलेशनशिप मिल जाएगा बट येस, एटलीस्ट ये ट्राई करेंगे आपके लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी रिवर्सल में है। ऐसा दिख रहा है कि ये टीम वर्क से इनकार करेंगे और आपको किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालेंगे जहाँ पर आपको किसी और को भी ऑप्शन में देखना पड़े, किसी और भी व्यक्ति को झेलना पड़े। ये आपको क्लैरिटी और एकदम क्लियर आंसर्स देना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ फेयर रहना चाहते हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं। ये व्यक्ति आने वाले समय में बस आपके साथ इंसाफ रखना चाहते हैं। इनको लगता है कि जो आप डिजर्व करते हो वो राइट ही डिजर्व करते हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो जिसके साथ लाइक होता है कि कोई छल कपट किया जाए या कोई गलत चीज़ किया जाए, नहीं तो ये कहीं ना कहीं अपने आप के कर्मा को बहुत ज़्यादा फील बोलते हैं ना, सोच विचार करना शुरू कर देंगे कि ये मैंने क्या कर दिया, ये इसको मैंने क्यों इतना पेन दिया। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आपके क्रश डरते हैं आपको हर्ट करने से। ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते या किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं अटकाना चाहते जहाँ पर कल आप इनको दोष दें या आप इनसे नाराज़ हो जाएं। कहीं ना कहीं ये कोशिश करना चाहते हैं कि आपको स्टेबल रिलेशनशिप दें और इस तरीके का प्रयास दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप को लेकर, इनके क्रश को लेकर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है।
फाइव ऑफ वॉन्स। यूनिवर्स आपको कह रहा है बी रेडी, आपके लिए कंपटीशन तैयार है, आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। यानी कि ये जितना चाह रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना ना करें या किसी तीसरे व्यक्ति का या उनके फैमिली या इश्यूज का सामना ना करें, उतना ही ये मैदान जंग होने वाली है। यूनिवर्स आपको रेडी कर रहा है और कह रहा है कि बी रेडी, एनर्जी में रहो और पूरी तरह तैयार रहो, आप किसी बहुत बड़े मुकाबले का सामना करने वाले हो। इस व्यक्ति की वजह से आप किसी बहुत स्ट्रांग कंपिटिटिव एनर्जी का सामना करेंगे, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का, और ये जंग आसान नहीं होगी। आपको भी अपने शस्त्र या हथियार उठाने पड़ जाएंगे, आप चाहो ना चाहो ये हथियार उठाना ही पड़ेगा, और हथियार उठाने के बाद ही आपके जो कर्म होंगे उस हिसाब का फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूं, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।